कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रो करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण भी लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी एक तिहाई आरक्षण के लिए। राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री खुद आप लोग को सिखाते कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर, सर सर बात तो बहुत कुछ है, प्रधानमंत्री जी सिंगल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बाद में बोले सर, बोल में महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री जी सिंगल दिखा रहे थे महिला आरक्षण बिल के समय, आज तो स्वागत कर दे आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दे आज तो सर, सर सिंगल दिखा रहे थे सर, ये सिंगल की इतिहास बता देता है लास्ट, नो सर 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 वेन इंडिया अटेंड, सर ये सुनिए ये इतिहास सुनिए, वेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश द देन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पोस्ट द क्वेश्चन टू द टू बी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, व्हाट इज द सेरेमनी अर्जुन मेघवाल टू बी फॉलोड टू सिंबलाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया हैंड। सर सर ग्रामीण की क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर, सर कृपया अलो कर दिया जाए सर, प्लीज सर, मान्य गृहमंत्री जी, गृहमंत्री जी, मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रो करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है, ये बिल 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए, या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी,
जब एक मिनट आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज, बैठे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन, आप प्लीज अपनी सीट बैठे कंक्लूड करें। आप अधिरंजन जी धन्यवाद दे रहे हैं। सर 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 सर, लॉर्ड माउंटबेटन पोज द क्वेश्चन टू द टू बी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, व्हाट इज द सेरेमनी दैट शुड बी फॉलोड टू सिंबलाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स। नेहरू देन कंसल्टेड राजा गोपालाचारी, कॉमनली नोन एज राजाजी, हु वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया। राजाजी आइडेंटिफाइड द चोला मॉडल वेयर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर वाज सैंक्टिफाइड एंड ब्लेस्ड बाय हाई रूलर्स। द सिंबल यूज्ड वाज द हैंडओवर ऑफ सिंगल और स्केप्टर फ्रॉम वन किंग टू हिज सक्सेसर। ए गोल्डन स्केप्टर वॉज क्राफ्टेड बाई भूमिधि बंगारू चेट्टी, ए फेमस ज्वेलर इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। द मेकर्स ऑफ द सिंगल भीमुदी एतरजुलु एंड भूमुदी सुधाकर आर लिविंग इन चेन्नई। सर इतिहास बता रहा हूं कुछ नहीं। ऑन अगस्त 14, 1947 द डेप्यूटी हाई प्रीस्ट ऑफ थिरुभादु थुराई आदिमन नागासरम प्लेयर राजारामती पिल्लाई एंड ओधुभार, ए पर्सन हू सिंग्स डिवोशनल सॉन्ग्स इन तमिल टेम्पल्स, वर फ्लोन टू दिल कैपिटल फ्रॉम द देन मद्रास प्रेसिडेंसी। द सेरेमनी वॉज कंडक्टेड एज पर तमिल ट्रेडिशन एंड द सिंगल वॉज हैंडेड ओवर टू नेहरू एट हिज हाउस। इसमें नई बात कुछ नहीं है सर। ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए है हमारे देश में, कुछ नहीं कुछ हो रहे हैं। सर मैं बहुत सारे सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये सब मत समझिए कि ये ईंट काटर पत्थर की सदन है सर। ये सदन इज नॉट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड मोटर्स ओनली, इट इज द सोल ऑफ आवर इंडिया, द सोल व्हिच वाज लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटेरेंस इन द वेक ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस। सर अगेन आई एम सेइंग दैट सोल शुड नॉट बी सप्रेस्ड अगेन बाय एनी डिजाइन, दैट इज माई व्यू एंड आई एम कंक्लूडिंग द स्पीच बिकॉज सर आई डोंट फाइंड द एडिक्वेट टाइम टू मेक माई पॉइंट फॉर। मंत्री जी देखिए, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अधीरंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीरंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए, एक या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज, मैं आगे कहता हूँ प्लीज, मैं आगे माननीय सर प्लीज आप बैठ जाइए, मुझे पूरा तो करने, मुझे पूरा तो प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी कल्याण जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा में जो बिल पारित होता है अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। माननीय अर्जुन मेघवाल जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।